उस समय जब हुआ कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम हुआ, तो वहां पर आसपास के गांव के लोगों जब उन्हें निमंत्रण किया तो एक भी आदमी वहां पर आने के लिए तैयार नहीं था। कहने लगा जी अब तो कुंडी लगा के हम तो लाइट चोरी करते हैं। लेकिन हमने बहुत कोशिश करके वहां पर एक कार्यक्रम जब हुआ तो मैं आज मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करता हूं। मैं भी डरता था लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। आज क्या करते हैं, आज घरों से बाहर आदमी निकलता है तो पहले सबसे पहले अपने घर की सारी लाइट बंद करता है, तब उसको देखता है वाकया इतने तो बिल आ जाएगा। ऐसी व्यवस्था प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करी जो मैं कहूंगा। इसी के साथ ही मैं ये कहूंगा 1,80,000 से कम इनकम के परिवारों का जो हमने अपना कार्ड बनाया उसके तहत मैं कहूंगा जी लगभग 40.7 लाख चुनाव कार्ड बने हैं और हर आदमी का 5 लाख का जो मेडिकल फ्री देने का काम किया है, ये सबसे बड़ी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री की। आज पहले क्या होता था कि लोग सरकार के पास आते थे, आज सरकार पोर्टल के माध्यम से लोगों के पास जाती है, ऐसी व्यवस्था प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करी। मैं ये भी कहूंगा आज नौकरियां जो है मेरिट पर देने का कार्य किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। मैं दावे से कहता हूं अभी राजनीति पार्टी के बहुत से लोग बैठे हैं, मैं कहूंगा कि आज अपने गांव में दिल से नजर मार के देखे, अगर मेरिट पर रुक जाए कोई भी किसी भी राजनीति पार्टी का था, गरीब से गरीब आदमी था, उसको अगर मिली है तो मेरिट पर से मिली है। ये अगर कार्य देने का काम किया है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ ट्रांसफर पॉलिसीज किस प्रकार से एजुकेशन के अंदर पहले लोग चक्कर काटते थे, आज ट्रांसफर पॉलिसीज आप 3 स्टेशन भरिए घर बैठे किस प्रकार से ट्रांसफर होती है, ये बहुत बड़ा कार्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। मैं ये कहूंगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन पेंशन, पहले क्या होता था पेंशन गरीब आदमी के लोग खा जाते थे, लेकिन पहली बार उनके खाते में पेंशन डालने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने किया। मैं इसी के साथ ही सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अभी गीता जयंती का अवसर हुआ क्षेत्रा के अंदर कहां पर सिर्फ 10,000 गीता जयंती के अवसर पर आते थे लोग, आज 50 लाख लोग गीता जयंती के अवसर पर आते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं ये कहूंगा विपक्ष के लोग बैठे हैं आदरणीय सभी, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि क्षेत्रा में ज्योति सर के अंदर हमने एक बहुत बड़ा विराट स्वरूप बनाया है, उसके ऊपर लेजर शो लगाया है, साथ में एक टिल्ला कंपनी ने भी हमें लेजर शो दिया, 22 मिनट का वो है और 15 मिनट का वो 37 मिनट के लेजर शो है। मैं कहूंगा एक बार अवश्य वहां पे आए उसको देखे। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा 235 करोड़ की लागत से वहां पर एक थीम पार्क में बनाया जा रहा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ बहुत सी चीजें कहूंगा, महिला कॉलेज हमें यहां मिला, हमारी बेटियां पहले कुक्षेत्र से लाडवा शाहबाद कहीं पढ़ने जाती थी, पहली बार 1,000 बेटी हमारी कुक्षेत्र महिला कॉलेज में पढ़ती है। एजुकेशन के स्तर पर मैं कहूंगा गांव किरमच के अंदर बच्चे जोर में पढ़ते थे, वृक्ष के नीचे पढ़ते थे, पहली बार 5 करोड़ की लागत से वहां स्कूल बनाया। इसी तरह हमारा गवर्नमेंट स्कूल यहां पर अपना सब्जी मंडी के पास में, वहां भी बेटियां सुबह शाम क्लास से लगती थी, वहां भी 5 करोड़ का स्कूल बनाया। एजुकेशन के स्तर पर स्पोर्ट की दृष्टि से देखे किस प्रकार से सिंथेटिक ट्रैक्स हमारे यहाँ बना, वेलोड्रम के लिए हमने रिक्वेस्ट किया उसका भी तैयारी हो रही है, एसओ ट्रैप, बहुत सी चीजें देखे। इसके साथ हॉस्पिटल हमारा जो 50 बेड का पड़ा था गंदा, उसके लिए 100 बेड का नया हॉस्पिटल बनाया और 100 बेड का 101 करोड़ रुपया और सेक्शन कर दिया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एलिवेटेड ट्रैक्स 250 करोड़ रुपए की लागत से हमारे यहां 5 फाटक खत्म करने का कार्य किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, ऐसा तैयार हो गया फाटक। इसी के साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माध्यम से कुक्षेत्र में सब कुछ दिया है, एजुकेशन की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, स्पोर्ट की दृष्टि से, सिर्फ एक डिमांड में रखना चाहता हूं, वो मैं रखी थी कि भारतमाला 2 में 2024 में हमारा एक बाईपास रखा हुआ है, वो बाईपास कुक्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से बाईपास के लिए। उसके साथ साथ ही पिपली बस आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं, चलो चलो क्षेत्र में अभी राहुल गांधी जी आए थे और ब्रह्मसोर में बैठ के उन्होंने कहा कि देखो कितना सुंदर क्षेत्र है और आपने उनको दबाया, आज भी नहीं, ये हमारी सरकार नहीं है, ऐसी व्यवस्था क्षेत्र में। इसके साथ साथ मैं क्या कहूंगा जी, ये पिपली बस स्टैंड आदमी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं कि जिसका पीपी मॉडल पे दिया उसका कार्य जल्दी कराया जाए, हमारा हॉस्पिटल जो 100 बेड का है, 100 बेड का और सेंक्शन हुआ है, उसका काम भी जल्दी शुरू कराया जाए। पीएलडी कॉलेज हमारे इसी मंत्री बैठे हैं, उनसे कहूंगा उसका कार्य भी जल्दी शुरू कराया जाए। आयुष अष्टी जो पहली यूनिवर्सिटी विश्व की हरियाणा में अंदर बन रही है, उसके लिए भी उसका काम जल्दी किया जाए, सेंक्शन हो चुकी है। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर एक मैं कहूंगा अपना ब्रिज बनाया जाए ताकि लोग इसे इजी आ सके। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ आपने
मुझे समय दिया, मैं आपका दिल के तहे दिल से धन्यवाद।